हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू वीडियो। तो यार किसका सपना नहीं होता कि कोई क्रिकेटर से मिले या एक्टर से मिले, लेकिन मेरा सपना सिर्फ ये था कि मैं क्रिकेटर से मिलूं, वो भी दो क्रिकेटर, जिनसे एक में से मैं मिल लिया। थंबनेल से आपको पता चल गया है कि कौन है वो, तो वो है सचिन तेंदुलकर भाई। और इनकी स्टोरी, ये फ़ोटो की स्टोरी बहुत अलग है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा आप लोगों को। और एक मेरा मन था विराट कोहली से मिलने का, जिनसे मैं अभी तक मिल नहीं पाया हूं भाई। मैंने दो मैच देखे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखा है और एक आईपीएल का देखा है, लेकिन दोनों में से कोई भी टीम में विराट कोहली उस टाइम पर नहीं थे, तो उनसे भी मेरा मिलने का मन है। पर हाँ, ज़रूर मिलूंगा भाई। सो यार ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जो मेरी नॉर्मल व्लॉगिंग देखते हैं, जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखते हैं, तो उनको पता है कि आर्विक मेरा बड़ा बेटा है। दो बेटे हैं मेरे पास, और जो बड़ा वाला बेटा है आर्विक, तो वो क्रिकेट खेलता है और बहुत छोटा था, लगभग 13-14 महीने का था, तब से वो क्रिकेट खेल रहा है और बहुत अच्छा खेलता है, मतलब बहुत पहले से ही। अब तो एकेडमी जाता है और पूरी मेहनत करता है, और एकेडमी में भी ना वो पूरा फेमस है। हमारे यहाँ पे ना एक लोकल ग्राउंड है, हम सीनियर बोलते हैं उसको, सीनियर में भी ना बहुत लोग उसको जानते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे से वहाँ खेल रहा है। तो जब छोटा सा था ना, इतना छोटा बच्चा 2.5 साल का, जब शॉट मारता था ना वो, तो सारे लोग, खासतौर पर बड़े बूढ़े लोग बैठे होते थे ना शाम को, तो वो देखते थे कि भाई ये सही में बहुत सही खेलता है, मतलब लोग उसको देखने भी आते थे। सो भाई मेरा ना हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट था दिल्ली, तो उस फ्लाइट को जब मैं ऑपरेट कर रहा था ना, तो नॉर्मली 10,000 फीट के ऊपर ना केबिन क्रू अंदर आती है और हमसे पूछती कि कुछ खाओगे या हमारा ऑर्डर लेते हैं। तो वो अंदर आई और उसने बताया हमें मेन्यू कि क्या क्या है खाने में, और फिर उसके साथ एक और एक्स्ट्रा बात बताई। वो बात ये थी कि उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी फ़्लाइट में ना सचिन तेंदुलकर आए हुए हैं। भाई मेरे कान खड़े हो गए। तो मैंने उसको बोला, और पर उसने, मैंने कहा जगे हुए हैं, तो उसने बोला नहीं सो रहे हैं, क्योंकि रात को ना उससे एक दिन पहले आईपीएल का कोई मैच था जिसमें उनकी टीम हार गई थी और काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था दूसरी टीम ने, 264 हैदराबाद ने बनाए थे, वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने भी ठीक ठाक स्कोर बना लिया था। तो मैंने फिर केबिन क्रू को बोला कि यार प्लीज़ मेरी ना, मेरा एक काम कर दो, सचिन अगर सो रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि ना मिल पाए हम, तो मेरा ना ये फ़ोन ले जाओ। मैंने ना अपनी आर्विक की वीडियो अलग से निकाल के रखी थी फ़ोन में, और उनको अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दिया था कि जब भी उठे ना तो ये वाली वीडियो उनको प्लीज़ दिखा देना। तो भाई वो लेके गई, तो जैसे ही सचिन तेंदुलकर साहब उठे तो उन्होंने आर्विक की वीडियो उन्हें दिखाई, तो भाई उन्होंने देखी और वो अंदर आई और उसने मेरे को फ़ोन वापस दिया और मेरे को एक बात बताई। उन्होंने बोला कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने पूरी वीडियो देखी आपके बेटे की, और बोला कि ये सच में बहुत अच्छा खेलता है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई भाई। तो जब हमने एयरक्राफ्ट लैंड किया ना, उस टाइम पे मैं पायलट फ्लाइंग था, कैप्टन ने मेरे को लैंडिंग और टेक ऑफ दिए थे, तो मैंने जैसे लैंड किया ना जहाज़, तो मैंने कैप्टन को बोल दिया कि सर मेरे को थोड़ी सी पहले निकलने देना कॉकपिट से बाहर, ताकि मैं सचिन तेंदुलकर से मिल लूँ। तो किस्मत भी मेरी बहुत अच्छी थी उस दिन। हुआ क्या कि एरोब्रिज थोड़ा लेट आया, एरोब्रिज ही था, थोड़ा लेट आया, और मैंने कैमरे में से देखा कि तेंदुलकर साहब खड़े हुए हैं, तो मैं उठ के गया, और मेरे पास ना कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं था, ऐसी कोई डायरी नहीं थी, ऐसा कोई बैट नहीं था कॉकपिट में, ना कोई मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं थी, ना कोई टी शर्ट थी, ना कोई कपड़ा भी एक्स्ट्रा था, ना कैप थी कि जिस पे मैं उनके ऑटोग्राफ ले पाऊँ। तो हमारा सबसे जो कॉन्फिडेंशियल, मैं कहूँगा कॉन्फिडेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लॉग बुक, लाइसेंस की तरह ही सेम। तो लॉग बुक का फर्स्ट पेज ना बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो भाई मेरे पास लॉग बुक थी मेरी, और लॉग बुक का पहला पेज होता, मैं वीडियो के बीच में उठ के गया हूँ ये लॉग बुक लेने, तो आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ना जो लॉग बुक का पहला पेज होता है ना, वो बिल्कुल खाली होता है लास्ट वाले भी। तो मेरे माइंड में आया कि भाई तेरे पास लॉग बुक है, और मैंने कहा चल उस पर ले लेते हैं। तो देखो ये ना पूरा खाली है पेज, तो मैंने ना, ये किसी काम का नहीं है लेकिन है बहुत हार्ड, इसकी आवाज़ सुनोगे ना आप, देखो मोटा भी है। तो मैंने इस वाले पेज पे, आप देखो, ये सचिन के ऑटोग्राफ लिए थे, इसमें लिखा है बेस्ट विशेस फॉर वरुण, एंड सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है ना, मैं फाड़ के ना फ्रेम करा, ये वाला पेज जो मैं फाड़ के फ्रेम करा लूँगा और सामने लगाऊँगा वहाँ पे, ठीक है, अपने फोटो गैलरी में। तो जैसे मैं कॉकपिट के बाहर निकला ना, तो कैप्टन को मैंने पहले बोल दिया था कि मैं जाऊँगा उतरते, और कैप्टन बहुत अच्छे थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में,
तो उन्होंने मेरे को बोल दिया पर तू जा सकता है भाई। मैं गया, मैं अपनी ब्लॉग बुक लेके गया बाहर और इस पे खुद से ऑटोग्राफ लिए उनके, उनसे हाथ मिलाया और मेरी थोड़ी सी बातें भी हुई थी। मैंने उनको पूछा कि सर कैसा खेलता है, बन जाएगा नहीं बनेगा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो सब कुछ ना कंसिस्टेंसी है, वो खेल बहुत अच्छा रहा है, नेचुरल बहुत अच्छा खेलता है, उसका बैट फ्लो बहुत अच्छा। उन्होंने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन किया और उन्होंने मेरे को कहा, एडवाइस किया कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि इसको खिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर तुम खिलाते रहोगे ना तो अगले 10 साल में 100% क्रिकेटर बन जाएगा। और मेरे को सच में ना बहुत शांति मिली यार। मैंने उसको बहुत जल्दी जज किया और वो क्योंकि स्टार्टिंग से अच्छा खेल रहा था तो मेरा दिल खुश हो गया कि इनसे बड़ा कोई क्रिकेटर है नहीं वर्ल्ड में। और इन्होंने ये बात बोल दिया ना तो 100% 1000% ये क्रिकेटर बनेगा। और मैं अभी बस वही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ जो सचिन तेंदुलकर ने बोली है। सचिन के जाने के बाद ना, सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद उनके पीछे से असिस्टेंट आ रहे थे बैग लेके, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि सर ने वीडियो देखी थी और आपका ही बेटा थे। मैंने कहा हाँ सर मेरा ही था। तो उन्होंने बोला कि सच में वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा खेलता है और इस तरीके से खेलता रहा ना तो ये 100% क्रिकेटर बन जाएगा। वैसे तो मेरे को कोई डाउट है नहीं, पर सचिन के बाद जब उनके असिस्टेंट ने भी ये बात बोल दी तो मेरे को पक्का भरोसा हो गया कि ये अब तो बनेगा। और आगे फ्यूचर में कभी मेरे को विराट कोहली या और भी कोई क्रिकेटर, तो मेरा जो मेरी जो दिली इच्छा है वो ये है कि मैं विराट कोहली से मिलूं और एक बार विराट कोहली को भी आरविक की वीडियो दिखाऊं, ताकि हालांकि अब मेरे मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो 100% क्रिकेटर बनेगा ही, क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो खुद भी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी है कि मेरे को एक बार मिलना है विराट से और उसको वीडियो भी दिखानी है आरविक की। और यार मेरा क्या सीन है, अभी तो आप जैसे आपको पता है कि मैं अभी टेम्परेरी मेडिकल अनफिट चल रहा हूँ, मेरा अंगूठा कटा है, तो मुझे नहीं पता है कि मैं बहुत अनसर्टेनिटी फेस में हूँ कि मेरे को वापस जहाज़ में जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं वापस जहाज़ में चला जाता हूँ तो ऐसे मेरे को कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा विराट से मिलने का भी, और अगर नहीं गया तो फिर कोई और दूसरा रास्ता निकालेंगे, वो रास्ता आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि अब मैं सब चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो भी मैं सोचता हूँ या करने वाला हूँ। तो आई होप कि मिलेगा, और किसी के डायरेक्ट लिंक हो भाई तो मेरे को बता भी देना, तो मेरे को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक ये वाली स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमने साथ में ना फ़ोटो कराया और मैंने उस केबिन क्रू को बहुत कई बार थैंक यू बोला भाई, वो भी बेचारी बहुत अच्छी थी, उसने बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया और बता दिया। तो आई थिंक आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी भी बहुत सारी कॉकपिट स्टोरीज़ हैं, कभी जब वीडियोज़ बनाते रहेंगे तो मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो फिलहाल ये स्टोरी करते हैं यहीं पर ख़त्म, इसको मेरे को एडिट करके डालना भी है, आपको दिखाना भी है। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच।